अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा सादिक और आज हम करने वाले हैं शाओमी की स्मार्ट वॉच का रिव्यू। ये शाओमी की अफोर्डेबल स्मार्ट वॉच है, IMI लैब KW66 की नाम से आती है। पाकिस्तानी मार्केट में और भी सिमिलर मार्केट में हमें देखने को मिल जाती है। ये एक्चुअल शाओमी की नहीं है, ये शाओमी की सब ब्रांड की है, यानी IMI लैब ये उन लोगों ने बनाई है, लेकिन शाओमी उसको मतलब इनडायरेक्टली ऑन करता है, जिस तरह शाओमी हेलो को ऑन करता है तो उसी तरह शाओमी इनको भी ऑन करता है, तो इसलिए ये शाओमी के ब्रांडिंग में ही आती हैं पाकिस्तान में। तो ये हमें पाकिस्तान में देखने को मिल जाती है 5,600 के प्राइस टैग में। मैं इसको ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, वो आपको आई कार्ड में कहीं पर नजर आ रही होगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर अनबॉक्सिंग देख चुके हैं तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा इसका कंप्लीट रिव्यू होगा। इसके कंप्लीट रिव्यू में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे, यानी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, स्क्रीन क्वालिटी, इसका जो सपोर्ट है, इसकी यूज़र इंटरफेस है, इसका जो डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है, लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके सेंसर्स। ठीक है, ये सात चीज़ें हम करेंगे, डिफरेंट ऑर्डर में कर लेंगे, वो तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से। बिल्ड क्वालिटी इसकी ऑप्टिमल है, इस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक है। 6 साउंड की रेंज में अगर कोई भी आप स्मार्ट वॉच देख रहे हैं तो आपको सिमिलर ही बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। इसका जो फ्रेम है वो मेटल का है, इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है वो ऑब्वियसली ग्लास की है, 3D कर्व्ड ग्लास लगाया गया है, साइडों से जो एजेस हैं वो कर्व हो रही हैं, और बैक जो इसकी प्लेट है वो क्रोम मेटल टाइप की कोई चीज़ लगाई हुई है उसके हिसाब से वो किया हुआ है, लेकिन है वो प्लास्टिक ही। ठीक है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ऑप्टिमल है इस रेंज के हिसाब से, प्रीटी गुड, वर्क्स परफेक्टली। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी डिसपॉइंटिंग थी, बिकॉज हेलो की स्मार्ट वॉच मैंने यूज़ की थी वो 15 से 20 दिन चलती है, तो क्योंकि ये उसकी डायरेक्ट कंपेटिटर है तो फिर भी ये 9 से 10 दिन 8 दिन चली है फुल चार्ज पे। तो मे बी पहला या दूसरा चार्ज था, इस वजह से ये भी थोड़ा वार्म अप कर रही है, आई डोंट नो। खैर एनीवेज, मेरा पॉइंट ये है कि थोड़ी सी डिसपॉइंटिंग थी। आई वुड विश कि इन्होंने जो अपने डब्बे पर एडवर्टाइज़ किया हुआ था ये 15 से 20 दिन वाली लाइफ, तो ये 15 से 20 दिन चलनी चाहिए थी, तो ये 10-11 दिन चलती है एक फुल चार्ज पे, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। बट अगेन, अगर आप इस रेंज की स्मार्ट वॉचेज़ की बात करें जिनमें VR OS नहीं देखने को मिलता, उसके हिसाब से ये थोड़ी सी कम है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन की। इसकी स्क्रीन इसमें लगाई गई है TFT। ऑब्वियसली इस रेंज में आपको AMOLED तो नहीं मिलने वाली, तो ऐसा चीज़ में कोई एक्सपेक्टेशन वाला सीन नहीं था, लेकिन आई डू विश कि या तो ये डायल को छोटा करके स्क्रीन के बराबर कर देते या स्क्रीन को बड़ा करके डायल के बराबर कर देते, बिकॉज ये जो साइडों पर इन्होंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है ना, जो बेजल्स आपके बन जाते हैं वो अच्छे नहीं लगते अगर आप डेली लाइफ इसकी स्क्रीन को देखें ना। लेकिन अगेन वही पॉइंट है कि आप इस रेंज के हिसाब से इस चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, तो आई एम ओके विद दैट। अच्छा, चौथी चीज़ इसकी बात कर लेते हैं इंटरफेस की। जो इसकी इंटरफेस है मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग में भी थोड़ी सी कवर कर चुका हूँ, अभी मैं दोबारा इसके बारे में बात करूँगा। इसकी जो इंटरफेस है वो काफ़ी स्मूथ है, लैग नहीं करती। ऑब्वियसली आपको लाइक बहुत ज़्यादा वो बटरी स्मूथ वाले तो नहीं मिलते, क्योंकि वो आपको एक्सपेंसिव स्मार्ट वॉचेज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा वो माइनर सा थोड़ी सी स्लोनेस है। लेकिन ये है कि अगेन इसकी इंटरफेस काफ़ी ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, सिंपल सी है, मिनिमल सी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दी हुई, कोई फजूल चीज़ें नहीं डाली हुई, कोई गिमिक्स नहीं है, बस टू द पॉइंट, स्ट्रेट। राइट साइड पर अगर आप स्वाइप करें मेन स्क्रीन से आपके वॉच फेस से, तो राइट साइड पे आपको सबसे पहले डेली काउंटर मिल जाता है, उसके बाद आपको हार्ट रेट मिल जाता है, एक्टिव हार्ट रेट है, 24/7 चल रहा होता है, उसके बाद आपको स्लीपिंग मिल जाती है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, ट्रेनिंग में बहुत सारे मोड्स हैं आपके पास, और उसके बाद आपको म्यूज़िक मिल जाता है। ठीक है, तो उसके अगर यही सेम सीन अगर आप वॉच फेस के लेफ्ट साइड स्वाइप करें तो आपको जो है पूरे यही सारे जो मेन्यूज़ हैं ये आपको मेन्यू की शक्ल में मिल जाते हैं, ऑप्शन मतलब आप खुद खोल सकते हैं कौन सा खोलना है। अगर आप वॉच फेस से ऊपर स्वाइप करें तो आपको 4 चीज़ें मिल जाती हैं, ये आपका है डिवाइस फाइंडर, उसके बाद आपकी है ब्राइटनेस, उसके बाद आपकी है यानी डू नॉट डिस्टर्ब, उसके बाद आपकी है सेटिंग्स, और साथ ही आपको बता देता है कि आपकी डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है, और उसके बाद बता देता है कि आपकी बैटरी लाइफ कितनी है, इसमें कितनी रिमेनिंग है। उसके बाद अगर आप वॉच फेस से नीचे स्वाइप करें तो आपको नज़र आ जाती हैं नोटिफिकेशंस, आपके जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, अगर आपने कोई और नोटिफिकेशन ऑन किए हुए हैं तो आपको वो भी शामिल आ जाएंगे। ठीक है, तो इंटरफेस इसकी मज़े की है। इसके साथ एक और कंपेटिटर भी लॉन्च हुआ है, शाओमी की एक और वॉच लॉन्च हुई है मी ब्रो के नाम से, या MI ब्रो के नाम से, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो उसकी जो इंटरफेस है वो मैंने उसके वीडियो रिव्यूज़ को चेक किए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई है। वो उसमें ज़्यादा थोड़ी इंटरेक्टिव है, उसमें एक गोल सर्कल टाइप मेन्यू दिया हुआ है और आप उसको पकड़ के जो है ना घुमा सकते हैं, तो वो बड़ा मज़े का सीन है। लेकिन ऑब्वियसली उसको मैंने अभी पर्सनली यूज़ नहीं किया तो मैं उसको रिकमेंड नहीं कर सकता, उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद
कर लेते हैं इसके सेंसर्स की। इसके जो सेंसर्स हैं वो इसका हार्ट रेट सेंसर तो मुझे एक्यूरेट लगा है, वो तो मेरे पास मी बैंड था, और जो दूसरी मैंने चीज़ें यूज़ की हैं, हेलो की स्मार्ट वॉच यूज़ की है, जिसका बाय द वे आप रिव्यू और कंपैरिजन ऊपर चेक कर सकते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग भी चेक कर सकते हैं, आपको आई कार्ड में नज़र आ जाएगी। तो उसके बाद मैं ये बात करना चाहूँगा, इसके जो सेंसर्स हैं वो हार्ट रेट वाला एक्यूरेट लगा मुझे, लेकिन जो इसका स्लीपिंग जो स्लीप डिटेक्शन सीन्स हैं उसके वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसको स्लीप डिटेक्ट करना नहीं आता। ये ऑब्वियसली हार्ट रेट को लेके ही कंसिडर करता है, स्लीप को और दूसरी चीज़ें जो कंबाइन करके करता है, डेटा कंबाइन करके, लेकिन अगेन वही बात है कि मेरा शायद स्लीपिंग पैटर्न भी इतना कोई खास अच्छा नहीं है, तो हो सकता है उस वजह से ये सही तरह कैलकुलेट ना कर पा रहा हूँ। लेकिन अगेन अगर आप फिटनेस ट्रैकिंग के लिए ले रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। फिटनेस ट्रैकिंग के लिए ले रहे हैं तो आप मी बैंड 4 या मी बैंड 5 लें, दे आर परफेक्ट फॉर दैट। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका डेली लाइफ का एक्सपीरियंस। आई लव्ड इट। इसकी जो लुक है वो मुझे बड़ी पसंद आई, इसकी जो सपोर्ट है वो मुझे बहुत पसंद आया, इसकी जो वॉच फेसेस हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, आप कस्टम भी बना सकते हैं, और जिसके ऑलरेडी अवेलेबल वॉच फेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बड़े मज़े के हैं। और डेली लाइफ पे अगर आप लुक चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस पर, ठीक है। तो आई डू लाइक दैट। ऊपर से यह है कि डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बैटरी लाइफ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन अगेन अगर आप 10-11 दिन एक चीज़ चल रही है तो आई डोंट थिंक उसमें कोई कंप्लेन हो सकती है। लास्टली मतलब जो बात करना चाहूँगा मैं सपोर्ट या कंपैटिबिलिटी कह लें, तो वो इसकी है कि यार इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये अवेलेबल हैं कि नहीं है मार्केट में, तो यस ये अवेलेबल हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं मैंने इसका स्ट्रैप चेंज किया हुआ है, इसका स्ट्रैप मैंने ये लेदर वाला लगवाया हुआ है, उसके साथ जो ओरिजिनल आता है वो इसका ब्लैक सिंपल स्ट्रैप होता है, वो भी काफ़ी मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा है, वो ख़राब नहीं होने वाला जल्दी, लेकिन ये है कि आपके ऑप्शन है, आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। यानी जो मी बैंड्स हैं, शाओमी बैंड्स हैं, उनमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि उनको में आपको मतलब मंगवाने पड़ते हैं, दराज से आप मंगवा सकते हैं, कहीं और से मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो किसी भी लोकल जो वॉच डीलर है, जो वॉच शॉप है, आपको वहाँ पे मिल जाते हैं इजीली, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है। लास्टली मैं अपने इसके बारे में जो मेरा वर्डिक्ट है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको एक नॉर्मल शशके वाली वॉच चाहिए जो दिखे भी अच्छी और जो आपका बेसिक नोटिफिकेशन वगैरह का भी काम कर जाए, अलार्म का काम कर जाए, और इकोनॉमिकल हो, अफोर्डेबल हो, तो और इससे ज़्यादा मतलब आपकी कोई रिक्वायरमेंट ना हो, तो ये वॉच आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। 6000 या 7000 की रेंज में आपको मतलब इससे अच्छे शायद एक आधी ऑप्शन हो कोई, वो जो शाओमी की न्यू वॉच है ये मी ब्रो, वो भी मैं चेक करूँगा, उसका भी रिव्यू करूँगा, अनबॉक्सिंग करूँगा, तभी पता चलेगा कि मे बी दैट इज़ बेटर। लेकिन अभी तक मैंने जितने यूज़ किए हैं मुझे हेलो से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है वो एटलीस्ट हेलो से बेहतर है, वो है हेलो से कंपेरेबल ही। मी फिट लेवल की नहीं है, मी बैंड लेवल की अच्छी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन नॉर्मल है, गुजारा आपका कर जाती है, तो दैट्स ओके। हेलो से ये वॉचेस बेहतर हैं, डिज़ाइन इनका ऑब्वियसली हेलो से कंपेरेबल है, लेकिन ये है कि इनका जो डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, वो हेलो से बेहतर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई ऐसा बंदा है जिसको फिटनेस का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, दूसरी चीज़ें ज़्यादा आपको आप अप्रिशिएट करते हैं, तो आपके लिए ये वॉच काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। तो इट्स अ सॉलिड 7.5 या 8/10 फॉर मी, तो प्राइस वाइज दिस इज़ परफेक्ट। अगर आप ये कंसीडर करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इजीली कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, टेलीमार्ट वगैरह से आपको 6000 के अंदर ये वॉच देखने को मिल जाएगी। लेकिन आप मी ब्रो को भी चेकआउट कीजिएगा, जहाँ भी आपको नजर आए तो आप उसको भी चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई आपके सवाल आते हों, आप कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर आई रिप्लाई। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।